दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, जिसमें हमें सलमान खान के साथ बॉलीवुड के और भी दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं और इसमें एक नाम शहनाज गिल का भी शुमार है, जिनसे जुड़ी खबरें आ रही थी कि फिल्म में इनका काफी अहम रोल होने वाला है। लेकिन अब इन खबरों ने पलटी मार ली है, जहां बताया जा रहा है कि फिल्म से शहनाज गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इसी वजह से सलमान और शहनाज गिल दोनों के बीच दरारें आ चुकी हैं। जी हाँ, तो आखिरकार कितनी सच्चाई है इस बात में और क्यों हुई शहनाज गिल कभी ईद कभी दिवाली फिल्म से आउट, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले सलमान खान और शहनाज गिल के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि कुछ महीने पहले जब शहनाज गिल बिग बॉस 15 में पहुंची थी और सिड को याद कर इमोशनल हो गई थी, तब भाईजान यानी कि सलमान खान ने उन्हें गले लगाकर हौसला दिया था। इतना ही नहीं बल्कि उसी दौरान शहनाज को भाईजान की अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली भी ऑफर हो गई थी, जिनसे जुड़ी खबरें आई थी कि फिल्म में शहनाज गिल काफी अहम रोल निभाने वाली हैं और फिल्म के लिए ये फाइनलाइज भी हो गई है। इसके बाद तो ये भी बताया गया कि फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है, पर अफसोस हाल ही में खबरें आई हैं कि शहनाज गिल और सलमान खान के बीच कुछ अनबन हो गई है और एक्ट्रेस ने भाईजान को अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बीते कुछ दिनों पहले ही ये खबरें सामने आई थी कि भाईजान के साथ शहनाज गिल के रिश्ते बिगड़ चुके हैं और इसी वजह से सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से शहनाज गिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसके चलते ही शहनाज गिल ने सलमान खान को अनफॉलो किया और इस तरह से दोनों के बीच के रिश्ते में दरार आ गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शहनाज किसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रही थी, शहनाज इससे पहले भी फिल्म में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो कुछ गानों में भी नजर आ चुकी हैं, जिसके चलते ही फैंस भी इन्हें कभी ईद कभी दिवाली फिल्म में भाईजान के साथ देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, जिसमें इन्हें कोरियोग्राफर राघव जुआल के ऑपोजिट देखा जाने वाला था। पर जिस तरह से सलमान खान के साथ इनके बिगड़ते रिश्ते सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि फिल्म से इनका पत्ता साफ कर दिया गया है, तभी से शहनाज गिल काफी चर्चाओं में हैं और भाईजान भी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इन बातों का अफवाह भी बताया गया है, पर अब देखना रहेगा कि आखिरकार इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सही में शहनाज हो चुकी है भाईजान की इस फिल्म से आउट या फिर होगा फिल्म में इनका जबरदस्त किरदार। वेल दोस्तों, कभी ईद कभी दिवाली फिल्म में भाईजान के साथ शहनाज गिल को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।